नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्वाति। जहां प्रदेश की मुखिया लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चलाकर भ्रष्टाचारियों के ऊपर सख्त कार्यवाही करने की बात करते हैं, वहीं विभाग के कई अधिकारी जो बिना पैसे का कोई काम नहीं करते। ऐसा ही एक आरोप जनपद अध्यक्ष उमा धुर्वे ने आरईएस विभाग के एसडीओ राकेश द्विवेदी के ऊपर लगाया है। जनपद अध्यक्ष ने बताया कि ग्राम पंचायतों में चल रहे विकास कार्यों में टीएस के लिए मोटी रकम मांगी जाती है, पैसा ना देने पर विकास कार्यों को रोक दिया जाता है। दरअसल ये मामला शहडोल जिले के जनपद पंचायत बुढ़ार का है, जहां आरईएस विभाग में बैठे एसडीओ राकेश द्विवेदी के ऊपर जनपद अध्यक्ष ने विकास कार्यों के नाम पर पैसे लेने का आरोप लगाया है। जब इस संबंध में मीडिया ने एसडीओ राकेश द्विवेदी से बात करनी चाही तो वह भड़क गए और इस गंभीर आरोप से मीडिया से बचते दिखे। वहीं जब मीडिया ने कवरेज करना शुरू किया तो एसडीओ राकेश द्विवेदी ने अपना चेहरा छुपा लिया और उन्होंने मीडिया का कैमरा छीनना शुरू कर दिया, जिसकी शिकायत मौके पर ही मीडिया कर्मियों ने कलेक्टर वंदना वैद्य से की है। लगातार ग्राम पंचायतों में शायद काम को रुक रहे हैं, जो लगातार आरोप लग रहे हैं एसडीओ साहब, क्या है मामला बताएं। देखिए क्या है, अभी तो क्या बोलते हैं, जो मतलब पंचायत में वो हुआ है, अलग हुआ है, मतलब खान बाबा खान साहब का, इसके पहले राकेश द्विवेदी जी यहाँ एसडीओ 101 पंचायत में रहे हैं। सरपंचों के द्वारा लगातार मेरे को शिकायत मिल रही है कि जो ये बाबा खान है तो जैसे जो लीज पीट वगैरह बन रहा उसमें तक में इनके द्वारा पैसा लिया जा रहा है। किसके द्वारा पैसा लिया? मतलब राकेश द्विवेदी एसडीओ बुढ़ार के द्वारा। और क्या बोलते हैं, बिना पैसा लिए टीएस नहीं करते, इससे मतलब विकास कार्य प्रभावित होता है। जब पूर्व में भी इनके ऊपर कुछ आरोप लगे थे पैसा लेन देन को, जिसका कुछ वीडियो भी वायरल हो रहा था, इसके बारे में क्या है? बिल्कुल, लेन देन के मामले में तो इनका एक उद्देश्य ही है कि यहाँ बुढ़ार मतलब चारागाह है, यहाँ आओ और फिर अच्छा से शोषण करो आदिवासी सरपंचों का। और जैसे जिस तरह से मतलब इनके द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है और सरपंचों को प्रताड़ित किया जा रहा है कि इतना पैसा चाहिए, नहीं तो फिर हम तुम्हारा जो निर्माण कार्य है उसमें कटौती कर देंगे, फिर ऐसे से सरपंच लोग मतलब कैसे गुणवत्ता के साथ काम कराएं। इसकी शिकायत आपने कहाँ कहाँ की? अभी तो मुझे कुछ सरपंचों के द्वारा मतलब शिकायत मिली है, मैं उच्च स्तरीय मतलब कलेक्टर महोदय जी से लिखित में मिलूंगी और शिकायत दर्ज कराऊंगी।